चलिए सर, खामोश हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल हमने कवर करना है वो हमारे पास ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये सवाल बेसिकली सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन से पर्टेन करता है। तो ऑटम 2023 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7, पहले अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखें तो 17 मार्क की वेटेज है सवाल की, और कहता है कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल बाय और रिफंडेबल टू जीनत एंटरप्राइजेस एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी फॉर द टैक्स पीरियड अगस्त 2023, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। हमारे पास एक पर्सन है जीरन इंटरप्राइजेस के नाम से, जिसका हमने सेल्स टैक्स लाइबिलिटी वर्कआउट करना है, टैक्स पीरियड अगस्त 2023। सवाल की इंफॉर्मेशन को रीड करें अगर, तो कहता है कि जीनत एंटरप्राइजेस अ सोल प्रोपराइटरशिप इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जीनत एंटरप्राइजेस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ जेडी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। हमारे पास परचेजेस में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है 44 मिलियन, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन है 9 मिलियन, सप्लाईज में टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है 30 मिलियन, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है 8 मिलियन, और एक्सपोर्ट से हमारे पास 12 मिलियन। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, यानी कि जो हमारे पास परचेजेस में 44 मिलियन की परचेजेस दी हुई है, इससे पर्टेन करती है हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1। कहते हैं परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ ₹9.2 मिलियन, नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 1.2 मिलियन फ्रॉम एन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। सर, हमने एसोसिएटेड अंडरटेकिंग से 9.2 मिलियन का रॉ मटेरियल परचेज किया है, और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग ने हमें ये रॉ मटेरियल 1.2 मिलियन के स्पेशल डिस्काउंट पे दिया है। हम ये बात जानते हैं कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई की हमने कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कवर की है, जिसमें एसोसिएट के साथ अगर कोई गुड सेल परचेज किए जा रहे हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है हायर ऑफ, ओपन मार्केट नहीं प्राइस। सर, हायर ऑफ वाली बात इनकम टैक्स में थी। सेल्स टैक्स लॉ में वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी के साथ डील कर रहे हो, तब की वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट प्राइस बन जाएगी। फिर कहता है ग्लास बॉटल्स वर्थ 4 मिलियन, अमंग दीज 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट कॉरिस्पॉन्ड टू बॉटल्स दैट सस्टेन डैमेज इन ट्रांजिट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एज अ गुडविल गेस्चर द सप्लायर प्रोवाइडेड रिप्लेसमेंट बॉटल्स विदाउट एनी एडिशनल कंसिडरेशन अकम्पेन्ड बाय द सेल्स टैक्स इनवॉइस। हमने 4 मिलियन की ग्लास बॉटल्स परचेज की, इस 4 मिलियन की ग्लास बॉटल्स में से 20% जो है ना वो इन ट्रांजिट डैमेज हो गए एक्सीडेंट की वजह से, सप्लायर ने हमें इन 20% बॉटल्स को रिप्लेस करके दे दिया, और इन 20% बॉटल्स के अगेंस्ट हमें एक नई सेल्स टैक्स इनवॉइस इश्यू की है। फिर कहता है मशीन ऑफ ₹15 मिलियन प्रोक्योर्ड फ्रॉम एन इम्पोर्टर, 60% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द मंथ वाइल द रिमेनिंग अमाउंट इज शेड्यूल्ड टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 15 मिलियन की हमने मशीन इम्पोर्ट नहीं की है, हमने लोकली खरीदी है, किससे खरीदी है, इम्पोर्टर से। 60% पेमेंट हमने कर दी है, बाकी अमाउंट जो है वो अगले 3 महीनों में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। पिगमेंट इन रिटेल पैकिंग लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल फॉर ₹7.5 मिलियन, द रिटेल प्राइस ऑफ दिस पिगमेंट इज 7.9 मिलियन। अब ये परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड है, यानी कि अगर आप इन सब का टोटल करेंगे ना तो वो ये 44 मिलियन नहीं बनेगा। 44 मिलियन का टोटल परचेजेस में से 4 इन्फॉर्मेशन आपको स्पेसिफिक दी है, इसका मतलब है कि कुछ रिमेनिंग परचेजेस भी होंगी जो हम एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट करेंगे। फिर कहता है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स परचेज किए, इसके हवाले से कहता है परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइजेस ऑफ बीस वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ बी फार्मर, बी फार्मर से हमने कुछ 20 वैक्स खरीदा, ये कोई होगी चीज पता नहीं। फिर कहता है सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो 30 मिलियन दिया हुआ है, इससे पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन नंबर
थ्री है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल सोल्ड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रुपीज 23 मिलियन. द रिटेल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट वर 25 मिलियन एंड ड्यूरिंग द मंथ द डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स. कॉरिस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर इशूड ऑन 5 सेप्टेम्बर 2023. हम रिटर्न बना रहे हैं अगस्त 2023 का. कह रहे हैं हमने जो टैक्सेबल गुड सप्लाई किया रजिस्टर्ड पर्सन को, इसमें से 23 मिलियन की गुड्स ऐसी थी जो कि थर्ड शेड्यूल आइटम थी, जिनकी रिटेल प्राइस 25 मिलियन. तो हम जानते हैं ये बात कि थर्ड शेड्यूल आइटम के केस में सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज होगा. 10% सेल्स रिटर्न हो गई, 10% सेल्स रिटर्न हो गई और डेबिट क्रेडिट नोट इशू हुए 5 सेप्टेम्बर 2023 में. तो क्या ये सेल्स रिटर्न को अकाउंट फॉर करेंगे? नहीं सर, जिस टैक्स पीरियड में डेबिट क्रेडिट नोट इशू होगा ये उस टैक्स पीरियड में अकाउंट फॉर होगा, यानी कि अगले महीने. फिर कहता है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि ये जो सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इससे पर्टेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 4. सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइजेस ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिस्टेड इन द थर्ड शेड्यूल टू एन अनरजिस्टर्ड टियर 1 रिटेलर. सर हमने अनरजिस्टर्ड टियर 1 रिटेलर को टैक्सेबल गुड सप्लाई किए और ये टैक्सेबल गुड्स थर्ड शेड्यूल आइटम है. आम हालात में तो जब अनरजिस्टर्ड गुड सप्लाई करते हैं तो हम फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन चूंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा. फिर कहता है एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट भी हमारे पास दी हुई है 12 मिलियन की, इससे पर्टेन करती है इन्फॉर्मेशन नंबर 5. एक्सपोर्ट्स कंप्राइजेस ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट शिप टू द यूएई, ये तो सिंपली हमारे लिए जीरो रेट सप्लाईज है. पॉइंट नंबर 6, 7, 8 ये इंडिपेंडेंट है, ऊपर टेबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. कहता है पैकिंग मटेरियल वर्थ 6 मिलियन वर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 10 अप्रैल 2023 एंड कॉरिस्पॉन्डिंग 10 अगस्त 2023 एंड कॉरिस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट वर इशूड ऑन द सेम डेट. दीस रिटर्न मटेरियल वर परचेस्ड ऑन 2 फरवरी 2023. सर ये परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है? सर ये परचेज रिटर्न है. तो इसकी एडजस्टमेंट्स इनपुट टैक्स में आएगी, यानी कि एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स से बटन करती है. इस एडजस्टमेंट के नतीजे में हमारा इनपुट टैक्स कम होगा, लेकिन हमने रिटर्न किया है 10 अगस्त 2023 पे, परचेज किया था 2 फेब 2023 पे. डेबिट क्रेडिट नोट के अगेंस्ट, डेबिट क्रेडिट नोट के अगेंस्ट हम जो एडजस्टमेंट क्लेम करते हैं उसके लिए टाइम लिमिट क्या था? 180 डेज. तो 2 फेब 2023 का मतलब है कि 2 मार्च 2023, 2 अप्रैल 2023, 2 मई 2023, 2 जून 2023, 2 जुलाई 2023 और 2 अगस्त 2023 पे हमारे एक्सक्लूसिव डे पूरे हो गए. तो क्या मैं इनपुट टैक्स कम करूंगा या नहीं? सर हम इनपुट टैक्स फिर भी कम करेंगे, क्योंकि ये जो 180 दिन वाली टाइम लिमिट है ना, ये उस वक्त रेलेवेंट है जब हम टैक्स अथॉरिटीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारा फायदा हो रहा हो. ये उस वक्त रेलेवेंट है जब हम टैक्स अथॉरिटीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारा फायदा हो रहा हो. यहाँ तो इनपुट टैक्स कम करने की बात है. इनपुट टैक्स कम करने का मतलब है कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है, एफबीआर का तो फायदा हो रहा है. तो यहाँ पे 180 दिन वाली लिमिट अप्लाई नहीं होगी, नहीं होगी. अब परचेज समझ आ रहा है मैं क्या कह रही वाली पॉइंट याद आ रहा है मैं? अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ₹2.9 मिलियन ऑन 10 फेब 2023 वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड इन द सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब 2023 एंड ऑनवर्ड्स. एक इनवॉइस जो कि फेब से पर्टेन करती है, यानी कि अगेन इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है, ये भी फैब से पर्टेन करती है, फैब में क्लेम नहीं की. सर अगर कोई इनवॉइस रेलेवेंट मंथ के रिटर्न में क्लेम ना हो तो अगले 6 महीने के रिटर्न में क्लेम हो सकता है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के रिटर्न में से क्लेम किया जा सकता है. एंड परफ्यूम हैविंग रिटेल प्राइस ऑफ 1 मिलियन वर प्रोवाइडेड टू द मार्केटिंग स्टाफ एज अ प्रोमोशन, एज अ पार्ट ऑफ प्रोमोशनल कैंपेन अलाउइंग वॉक इन कस्टमर्स एट मॉल्स एंड कियोस्क टू ट्राई द फ्रेग्रेंस फॉर फ्री. सर क्या ये सप्लाई है? क्या ये टैक्सेबल सप्लाई है? सर तो इस पे हम आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आ जाएगा. फिर कहता है ऑल द अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एक्सेप्ट वेयर इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज एंड सेल्स टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 18%. तो एक रीजनेबल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते, एक एवरेज क्वेश्चन है ये. सॉल्व करते हैं सर इस सवाल को. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ऑटम 2023 अटेम्प्ट. ये सॉल्व करने वाले ये पॉइंट नंबर 1 का इसके अ मशीन ऑफ 15 मिलियन प्रोक्योर्ड फ्रॉम एक्सपोर्टर, ये वो भी है ना? नहीं,
हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमने इंपोर्टर से बाय किया है, तो हमारे लिए तो ये लोकल परचेज ही है। ये जो 1.2 मिलियन का डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या है? सर ये ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन ये स्पेशल डिस्काउंट है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। एक्शन नहीं है तो मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट है। हां ये मेरे ऑफ कुछ ये ना सर्वर से दिया रही है यार देख रहा हूं से तो कुछ सर सबसे पहले इनपुट टैक्स की वर्किंग करते हैं। इनपुट टैक्स में सबसे पहले आ रहा है हमारे पास परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इससे पर्टेनिंग पॉइंट नंबर वन में चार सब बुलेट्स है। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग से, तो रॉ मटेरियल फ्रॉम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, हमने परचेज किया 9.2 का, लेकिन 1.2 का स्पेशल डिस्काउंट है, लेकिन चूंकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.4, यस 10.4 मिलियन इनटू 18%, 1.872 ट्रिपल जीरो। फिर हमारे पास आ रहा है ग्लास बॉटल्स। ग्लास बॉटल्स वाली एडजस्टमेंट थोड़ी सी समझिएगा। देखो 4 मिलियन की हमने ग्लास बॉटल्स खरीदी, 2 मिलियन रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू एन एक्सीडेंट। तो क्या 4 मिलियन पे हमें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ होगा या 4 मिलियन के 80% पे अलाउ होगा? सर वो बाद में हो बात जाएगा वाली बात को छोड़ दो, अभी ये वाली बात छोड़ दो। सर। अगर मुझे, मैं आपसे ये कहूँ कि 4 मिलियन हमने गुड्स खरीदे जिसमें से 20% रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, तो इनपुट 80% में मिलेगा या 100% पे मिलेगा? सर इनपुट टैक्स हमें 100% पे नहीं मिलेगा, समझो। हमने सेल्स टैक्स लॉ में एक रूल कवर किया था, रूल नंबर याद नहीं आ रहा, गुड्स डिस्ट्रॉयड के हवाले से, कि अगर आपके कोई गुड्स अनफिट फॉर कंजम्पशन है, अगर आपके कोई गुड्स एक्सपायर्ड वगैरह है, तो आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एक ऑफिसर की निगरानी में वो गुड्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, और उन गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। तो फिर सवाल क्रिएट होता है कि जब इनपुट अलाउ नहीं होगा, तो उसको बुला के उसकी परमिशन से क्यों डिस्ट्रॉय करना? वैसे ही डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर आपने उसकी परमिशन के बगैर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो तो समझेगा कि आपने बेच दिया, और वो समझेगा आपने बेच दिया, तो फिर वो आपसे आउटपुट टैक्स रिकवर करेगा। उसको परमिशन में, उसकी निगरानी में डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि उसको साबित करना है कि हमने इसको बेचा नहीं, हमने इसको डिस्ट्रॉय किया है। इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स किसी टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो यहां पर भी अगर 100% गुड्स खरीदते हुए 20% डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो 20% गुड्स तो टैक्सेबल सप्लाई जनरेट करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुई। जब वो टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो उन 20% गुड्स के अगेंस्ट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। तो ग्लास बॉटल वाली एडजस्टमेंट में, ग्लास बॉटल वाली एडजस्टमेंट में 4 मिलियन का 80% इंटू 18%। लेकिन फिर आगे कहता है, एज अ गुडविल गेस्चर द सप्लायर सस्टेन, सॉरी, एज अ गुडविल गेस्चर। सर किसी ऑनलाइन स्टूडेंट ने कहा है कि पॉइंट नंबर वन एक्सप्लेन करते हैं। सर पॉइंट नंबर वन को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं पॉइंट नंबर टू पे आता हूं। हमने सेल्स टैक्स लॉ में, हमने सेल्स टैक्स लॉ में वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कवर की है। वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में हमने एक पॉइंट कवर किया था कि वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर एसोसिएटेड पर्सन, वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स आर एसोसिएटेड पर्सन एंड द सप्लाई इज मेड फॉर नो कंसिडरेशन और कंसिडरेशन दैट इज लोअर देन मार्केट प्राइस, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी ओपन मार्केट प्राइस। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, अगर कोई जान पहचान के लोगों के दरमियान ट्रांजेक्शन है जिसके अगेंस्ट कंसिडरेशन ही नहीं है, कंसिडरेशन ओपन मार्केट प्राइस से कम है, तो फिर ओपन मार्केट प्राइस विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और हमने रूल क्या बनाया था कि अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ज्यादा है, तो आप एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे, लेकिन अगर एक्चुअल कंसिडरेशन ओपन मार्केट प्राइस से कम है, तो फिर आप ओपन मार्केट प्राइस यानी कि हायर ऑफ एक्चुअल और ओपन मार्केट प्राइस वाला रूल अप्लाई हो। अब यहां पे भी, इस सवाल में भी यही कह रहा है,
हमने 9.2 के जो गुड्स खरीदे वो स्पेशल डिस्काउंट पे खरीदे, यानी कि ये 9.2 इनकी ओपन मार्केट प्राइस नहीं है, और हमने एसोसिएटेड अंडरटेकिंग यानी कि जान पहचान वाले लोगों से खरीदे, तो यहाँ पे हम ओपन मार्केट प्राइस 9.2 प्लस 1.2 10.4 मिलियन पे सेल्स पे चार्ज करते हैं। सर ग्लास बॉटल वाली एडजस्टमेंट में 4 मिलियन का 80% का 18% कितना आ रहा है? 576,000। अच्छा लेकिन फिर आगे कह रहा है इसी पॉइंट में कि एज अ गुडविल गेस्चर द सप्लायर हैज प्रोवाइडेड अस रिप्लेसमेंट बॉटल, हमारे सप्लायर ने हमें एज अ गुडविल गेस्चर रिप्लेस करके दे दी कि जो 20% नुकसान हुआ वो हमें रिमबर्स करने के लिए नई बॉटल दे दी, जिसके अगेंस्ट इसने हमसे एडिशनल कंसिडरेशन नहीं ली, लेकिन हमें प्रॉपर सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू किए, तो जो हमें एस गुडविल गेस्चर फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटल्स मिली उसके अगेंस्ट भी हमारे पास सेल्स टैक्स इनवॉइस है, तो सेल्स टैक्स इनवॉइस होने की वजह से इसका इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद मशीन ऑफ 15 मिलियन, हमने एक मशीन परचेज की है, तो 15 मिलियन की मशीन है, 15 मिलियन की मशीन है जिसमें से 60% पे कर दिया है और बाकी अमाउंट आने वाले 3 महीनों में पे करेंगे, तो इनपुट कितने पे क्लेम होगा, 15 मिलियन के 60% पे या पूरे 15 मिलियन? सर सेल्स टाइम ऑफ सप्लाई के केस में अगर आप हायर परचेस इंस्टॉलमेंट में कोई चीज परचेस करते हो तो क्रेडिट पे परचेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनपुट पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो, तो 15 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18% 2.7। अच्छा एक चीज यहाँ पे भी गौर करने वाली है, हमने जो सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट डिटरमिनेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी का एक सेक्शन कवर किया था सेक्शन 7, सेक्शन 7 में सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, हम आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, ये सेक्शन याद आ रहा है हमें? इस सेक्शन में क्या था कि फॉर डिटरमाइनिंग द सेल्स टैक्स लायबिलिटी अ रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड और पेबल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, यानी कि अगर आपका इनपुट टैक्स पेड और पेबल है, अगर आपने कैश परचेजेस किए, आपने क्रेडिट परचेज किया, आप इनपुट पूरा क्लेम कर सकते हैं। इंपोर्ट वाले पॉइंट में था, इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, he holds bill of entry and goods declaration is name showing his sales tax registration number duly cleared by the custom authorities under the custom act 1969, कि अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो फिर आपने उन इंपोर्ट गुड्स की 100% क्लियरेंस कर दी, यानी जितनी क्लियरेंस की होगी उतनी ही आपको सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट डाला होगा। अब आप ही के पास पेपर में, आप ही के पास पेपर में एक एडजस्टमेंट इस तरह से आ जाती है कि आपने गुड्स इंपोर्ट किए, जो भी सेल्स टैक्स बनता था ना उसका 60% पे किया, अभी 40% पे नहीं किया, तो फिर इस एडजस्टमेंट में हम इनपुट भी 60% तक ही क्लेम करेंगे, ये हायर परचेज एडजस्टमेंट नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, अगर वो मुझसे कहता है कि हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं और इंपोर्ट स्टेज में गुड्स को क्लियर करवाने के लिए जो सेल्स टैक्स पे करना था ना वो हमने 60% पे किया, अभी 40% पे नहीं किया, तो मैं इनपुट भी 60% की हद तक क्लेम कर सकता हूं। लेकिन हमारे पास इस सवाल में जो एडजस्टमेंट है ना, इसमें हमने इंपोर्ट थोड़ी किया है, हमने तो लोकल प्रोक्योरमेंट किया, और लोकल प्रोक्योरमेंट में मतलब लोकल बाइंग किए, लोकल बाइंग में कैश को या क्रेडिट पे हमें पूरी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ हो जाएगी, तो 15 मिलियन का 18% 27 लाख रुपए आ गया। फिर इसके बाद हमने पिगमेंट परचेस की रिटेल पैकिंग में, परचेस तो 7.5 मिलियन की है लेकिन रिटेल प्राइस 7.9 मिलियन है, तो पिगमेंट इन रिटेल पैकिंग 7.9 मिलियन इनटू 18% 1.422 मिलियन। अब हमारे पास कुछ रिमेनिंग परचेजेस भी हैं, रिमेनिंग परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, टोटल हमारी परचेजेस कितनी थी 44 मिलियन। यहां पर 44 मिलियन से जो हम ऊपर अकाउंट फॉर कर चुके हैं उनको माइनस कर देंगे, लेकिन जो ऊपर अकाउंट फॉर करते वक्त हमने वैल्यूज नहीं है ये वैल्यूज माइनस नहीं करेंगे, वही वैल्यूज माइनस करेंगे जो इस 44 मिलियन में शामिल है, सही है? जैसे पहले वाली वर्किंग में हमने 10.4 लिया है लेकिन परचेज में कितना शामिल है 9.2, तो इससे आप 9.2 मिलियन हटाओगे।
दूसरी वाली परचेज में 4 मिलियन का अमाउंट है और 4 मिलियन का अमाउंट शामिल है, तो हम पूरा 4 मिलियन ही माइनस करेंगे। तीसरी वाली एडजस्ट, दूसरी वाली एडजस्टमेंट के सेकंड पार्ट में हमें फ्री में कुछ मिले थे तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर 15 मिलियन, और फिर पिगमेंट, हमने तो वैल्यू 7.9 लिए लेकिन हमने परचेज कितने की है, 7.5, तो 7.5 भी माइनस होगा। ये कितना हो गया, 8.4, 9.4 आएगा, 8.3 मिलियन का 18%, तो ये आ गया 1.4940। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारे पास आ रहा है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर हमारे पास टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हमने परचेज किए 9 मिलियन के। सर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो इसने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा तो इनपुट टैक्स नहीं बनेंगे। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3, 4, 5, तो आउटपुट टैक्स से बटन करता है, सप्लाई से बटन करता है। पॉइंट नंबर 6, पैकिंग मटेरियल वर्थ 6 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर ऑन 10 अगस्त। सर हमारे पास परचेज रिटर्न ऑफ पैकिंग मटेरियल 6 मिलियन इंटू 18% 1.08000, ये इनपुट टैक्स हमारा कम हो जाएगा। फिर हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड वॉज इनवर्टेडली, तो हमारे पास कुछ फैब की परचेजेस है, 2.9 मिलियन इंटू 18% 5,22,000, ये हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा 7650000, 7650000, 7650000। सर इनपुट टैक्स की वर्किंग के बाद कुछ स्पेस रहने देंगे अपने पास और आउटपुट टैक्स की वर्किंग पे आ जाएंगे। आउटपुट टैक्स वर्किंग के लिए हमारे पास टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 30 मिलियन, और इसे पर्टेनिंग पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि हमने 23 मिलियन के थर्ड शेड्यूल आइटम सप्लाई किए जिनकी रिटेल प्राइस 25 मिलियन थी, तो थर्ड शेड्यूल आइटम टू रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर 25 मिलियन इंटू 18% कितना, 4.5 मिलियन। यस सर, 4.5 मिलियन। फिर 10% इसमें से रिटर्न हो गया, 10% इसमें से रिटर्न हो गया है, लेकिन कॉरिस्पॉन्डिंग नोट अगले महीने इशू हुआ है, तो हमारे पास सेल रिटर्न जो इसका डेबिट और क्रेडिट नोट इशू हुआ वो इशू हुआ 5 सितंबर 23 में, तो इसे अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। अब ये तो वो थी जिसके बारे में स्पेसिफिकली बता दिया कि भाई 23 मिलियन हमने थर्ड शेड्यूल आइटम था, लेकिन यहाँ तो टोटल 30 मिलियन आ रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग सेल्स या सप्लाईज, तो 30 मिलियन माइनस 23 मिलियन, या 25 माइनस नहीं करेंगे, 25 तो रिटेल प्राइस है, हमने सप्लाई 23 मिलियन में किया है, तो कितना आया, 7 मिलियन ना, 7 मिलियन इंटू 18% 1.60000। कि बाकी को समझ आ रहा है, पीछे वालों को सर इसके बाद हमारे पास टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 6। इसमें कहता है कि थर्ड शेड्यूल आइटम है जो कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, तो अगेन थर्ड शेड्यूल आइटम टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और इसकी वैल्यू है 8 मिलियन। 8 मिलियन पे 18% तो चार्ज करेंगे, इसकी रिटेल प्राइस दी भी है कुछ। सर ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ये वाली एडजस्टमेंट है, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 8 मिलियन,
और यहाँ लिखा है कि सप्लाई टू टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंप्राइजेस ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लिस्टेड इन थर्ड शेड्यूल टू अनरजिस्टर्ड टियर वन रिटेलर। तो हम 8 मिलियन पे 18%, लेकिन यहाँ लिख देंगे नो फर्दर टैक्स, यहाँ कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। कितना? 1.44 मिलियन। फिर हमारे पास ऊपर टेबल में एक्सपोर्ट से 12 मिलियन की, इसके वाले से बस इतना लिखा था कि हमने एक्सपोर्ट किया है दुबई में, ठीक तो 12 मिलियन की एक्सपोर्ट्स पे 0%। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 8 भी आउटपुट टैक्स से पर्टेन करता था, जो हमने मार्केटिंग स्टाफ को दिया एज अ प्रोमोशनल कैंपेन, तो इसे आप गिफ्ट एंड गिफ्ट अवेज कह सकते हैं। इस परफ्यूम की वैल्यू है 1 मिलियन, है तो ये आ गया 1,80,000। ठीक ये हमारे पास है आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ आ जाएगा 7380 7380000। ये समझ आ रहा है ना सबको? तुम्हें समझ आ रहा है लड़के? अब जो हमारी हमेशा से जो हमारे खौफ है कि अपोर्शनमेंट करनी है नहीं करनी, कैसे करनी है, सर सबसे पहले अपोर्शनमेंट के लिए ये सवाल करेंगे कि क्या हमारी आउटपुट टैक्स की वर्किंग में एग्जेम्प्ट और जीरो डेट सप्लाईज हैं। सर हमारे पास इसमें एक जीरो डेट सप्लाईज आ रही है। सर इसके बैक पे कोई कॉमन इनपुट टैक्स है? सर अगर हम अपनी परचेजेस देखें ना, तो सारी ही परचेजेस यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि किसी भी गुड्स के बारे में स्पेसिफिकली ये नहीं कहा था कि ये परचेज करके लोकली सप्लाई किया, ये परचेज करके एक्सपोर्ट किया है। जितनी भी यहाँ पर परचेजेस है, सारी की सारी हमारी कॉमन परचेजेस हैं। तो हमें सारा इनपुट टैक्स ही अपोर्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक वर्किंग बनाएंगे। सर हमारे पास इस कॉलम में मल्टीपल हमारे पास इस वर्किंग में मल्टीपल कॉलम्स आ जाएंगे। हमारे पास इनपुट टैक्स की वर्किंग में मशीनरी आ रहा था, तो फिक्स एसेट का इनपुट अलग क्लेम करेंगे, बाकी इनपुट अलग क्लेम करेंगे। पहले कॉलम में आ जाएगा नेचर ऑफ सप्लाई, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फिर अदर इनपुट टैक्स, और फिर उसकी क्या एडजस्टमेंट होगी। अब देखिए हमारे पास इस सवाल में दो ही तरह की सप्लाई है, या तो टैक्सेबल या जीरो रेटेड। अगर हम सप्लाईज का डेटा देखें तो जीरो रेटेड है 12 मिलियन, और टैक्सेबल कितनी है? 25 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 1। मैंने इन चार नंबर को टोटल किया है, 25, 7, 8 और 1, ये आ गया 41 मिलियन। तो ये टोटल आ गया 53 मिलियन। अब प्लांट एंड मशीनरी पे कितना इनपुट टैक्स है? सर प्लांट एंड मशीनरी पे इनपुट टैक्स था 15 मिलियन का 18%, 2.7 मिलियन। और प्लांट एंड मशीनरी के अलावा आप टोटल इनपुट टैक्स ले लें 7650, इससे प्लांट एंड मशीनरी वाला हटा दें 2.7 मिलियन, तो यह आ जाएगा 4950000। अब इन दोनों इनपुट टैक्सेस को मैं 41 और 12 मिलियन के रेशियो में अपोर्शन कर दूंगा, 20886 79। जो ये कैलकुलेशन करता नहीं है ना, एग्जाम में भी नहीं होगी। 6 1 2 3 4 0 है ये बता दे किसको किससे मिलने के लिए 2 0 से 6 1 1 3 0 7 सर ये कैसे कैलकुलेट किया? क्या 7 0 से 6 मिलियन कैसे हो सकता है? सर अगर 2.7 को एलोकेट करें तो 6 मिलियन नहीं होना चाहिए? सही देखो सही कैलकुलेट किया है नंबर। सर ये कैसे कैलकुलेट किया? यहां देखें, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइडेड बाय 53, तो ये आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 53, तो ये आ जाएगा।
इसी तरह से 4950 को भी एलोकेट कर देंगे। 3.89245 और से नीचे 1120755। अभी जो टैक्सेबल सप्लायर से पर्टेनिंग इनपुट टैक्स अपोर्शन किया है ये आपका एडजस्टेबल है, और जो जीरो डेट से पर्टेनिंग अपोर्शन किया ये आपका रिफंडेबल है। सर तो हमने इनपुट टैक्स फॉर द मंथ कैलकुलेट कर लिया था, इससे हम लेस करेंगे इनपुट टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम वर्किंग वन। प्लांट एंड मशीनरी का रिफंडेबल है 6,11,320 और अदर इनपुट टैक्स का रिफंडेबल है 11,20,755। तो ये हमारे पास एडजस्टेबल इनपुट टैक्स आ जाएगा 5917925। अच्छा, ये जो एडजस्टेबल इनपुट टैक्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, ये आपकी अपोशनमेंट की वर्किंग में भी एडजस्टेबल के टोटल से मैच करेगा, क्योंकि हमने तो सारे ही इनपुट को अपोर्शन कर दिया ना। प्लांट मशीनरी का अलग अपोर्शन किया, बाकी प्लांट मशीनरी के अलावा जितने भी थे उसे अलग अपोर्शन किया। तो ये जो एडजस्टेबल के दो नंबर्स कैलकुलेट किए हैं इनका टोटल आपका 5917925 भी बन रहा होगा। क्या ये समझ आ रहा है हमें? सर इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लिया, अब बस लास्ट वर्किंग करनी है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स लायबिलिटी हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी, आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स था 7380000, इससे हम लेस करेंगे लोअर ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना? 6642000। इससे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल इनपुट, लेकिन एक्चुअल इनपुट से हम प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट हटा देंगे। अब एक्चुअल एडजस्टेबल इनपुट कितना है हमारे पास? 5917925। और प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट कितना था? 2.7 मिलियन। सर 2.7 तो था, लेकिन इस 2.7 में से 6,11,320 तो ऑलरेडी रिफंड के नाम में माइनस हो गया है, तो एडजस्टेबल में रह कितना गया है? सर एडजस्टेबल में रह गया है 2,88,679। 2,88,679 कितना गया? 3829245। सर इन दोनों का हमने लोअर देखा था, वो आ रहा है 3829245, और ये माइनस करने के बाद, अब हम माइनस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना सिर्फ एडजस्टेबल पोर्शन था दिस 2,88,679। ये हमारे पास सेल्स टैक्स लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि इस सवाल में तो फर्दर टैक्स है ही नहीं। 1,46,207,076। सही है सर, ये आ गया हमारे पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी। कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन इनपुट टैक्स रिफंडेबल एक है जो हम प्रेजेंट कर देंगे, और वो नंबर था 1732075। तो यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट में समझता हूं कि इस सवाल में 17 में से 12 मार्क्स को आसानी उठा सकता है। कॉपी कर ले सर।